जय बोले की बोले शंकर भगवान की जय। तेरी बम 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 बोले। बहुत ही प्यारा थर्माकोल से बनाया हुआ कावड़ है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग एंड माई नेम इज़ कर्ण श्रीवास्तव। और रात को काफ़ी देर से हम सोए थे, एडिटिंग करने में लेट हो गया था, अपलोडिंग करने में भी लेट हो गया था, नेट स्लो चल रहा था। तो 3-4 बजे हम सोए तो लेट तक सो गए थे। तो अभी हम लोग उठे हैं, नहा धो के फ्रेश हुए हैं, नाश्ता किए हैं। और अभी आज हम लोग जाने वाले थे अक्षरधाम, तो मे भी हो सकता है तो जाएँ, क्योंकि भैया आज बोल रहे थे कि जो कांवरिया वाले लोग हैं जो मतलब जा रहे हैं बाबाधाम के लिए, तो उनको फल फ्रूट्स वगैरह जो है वो बांटना है, देना है उनको, जो लोग रास्ते में उनको खाने पीने के लिए सामान देना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाएंगे, रास्ते पे जो भी लोग आ रहे हैं कांवरिया लोग, सबको फ्रूट्स जो है बांटा जाएगा, उनको दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए गाड़ी में सामान पैक हो गया, केला वगैरह। तो अभी हम लोग चलते हैं मेन रोड पर जहाँ से लोग आ रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको बांटना है। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ लगा हुआ है। गाइस भैया तो अभी गाड़ी से निकल गए हैं, 4 व्हीलर से। सामने देख सकते हैं बारिश पड़ रही है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। हम हैं गोपाल जी और गोलू भाई है, थोड़ा सा वेट करेंगे और बारिश रुकती है तो फिर हम लोग भी जाते हैं। देख सकते हैं बारिश हो रही है बहुत तेज़। सो गाइस फाइनली बारिश रुक गई है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। गोपाल जी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और रोड पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा आगे भी आके दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, सब कांवरियों की पेशली लगा के रखा गया है। और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, फिर यहाँ से आगे जा रहे हैं। ये देखिए सारे लोग पैदल जा रहे हैं महादेव। और काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप। अभी थोड़ा सा हम उस साइड चलते हैं, उधर भी देना है सबको। मम बोले तो भैया ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने? जा रहे हैं हरिद्वार साइड में। तो कब तक आप लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे? शाम को पहुँच जाएंगे, शाम तक। तो अभी सब बढ़िया से कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? हरिद्वार से ही आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, बाकी सब तबियत तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना? मजे ले रहे हैं भैया। तो बाकी और देख सकते हैं यहाँ पे सभी कांवड़िया लोग जा रहे हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे। और आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ से देखिए एक बहुत बड़ा कांवड़ लेके भैया लोग आ रहे हैं वहाँ से। महादेव महादेव महादेव। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ से आ गए दूसरी जगह, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कांवड़िया लोग रास्ते में हमेशा आते जाते हो। ये देखिए कांवड़, तो यहाँ भी कैंप लगा हुआ है सबका। और यहाँ भी काफ़ी लोग हैं, जो भी लोग रास्ते से आ रहे हैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और नाश्ता वास्ता जो भी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खा पी के यहाँ से फिर थोड़ा सा रुक के फिर जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं भैया, काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ें जो भी हैं, मतलब हर जगह कैंप लगा हुआ है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं दूसरे लोकेशन पे, और ये देख सकते हैं काफ़ी कांवड़िया लोग यहाँ पे हैं, और ये पीछे कांवड़ लगी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, सभी लोग साइड में बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी लगभग लग रहा है कि मुझे अभी 1 बज रहा है, और ये लोग मतलब नाश्ता वास्ता करके सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे ये लोग। और सबसे अच्छी बात यह है कि कांवड़ियों के लिए मतलब एक साइड का रोड पूरा खाली कर दिया गया है। जितने भी लोग आ जा रहे हैं वो केवल एक साइड से ही आ जा रहे हैं और एक साइड का रोड पूरा एकदम खाली कर दिया गया है। और ये सब देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे गोपाल जी भाई लोग ठेला लेके खड़े और इस कांवड़ को देखिए आप, बहुत ही प्यारा ये कांवड़ लग रहा है। सो गाइज ये देखिए कांवड़ है बहुत ही प्यारा शंकर भगवान का। और यहाँ पे देखिए सारे लोग पैदल जा रहे हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं गोपाल जी। और बहुत ही प्यारा कांवड़ है, ये चीज़ देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बाकी यहाँ देख सकते हैं सभी लोग हैं आगे, उधर उस साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, सारे लोग उधर से आ रहे हैं। और ये देखिए सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, अभी लगभग हमको लग रहा है कि 1 बज रहा है, तो सुबह से चलते चलते लोग थक गए होंगे। यहाँ पे लोग सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये देखिए कांवड़ यहाँ का, ये दिल्ली का सीन है गाजियाबाद का, तो ये देखिए। गाइस एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा शंकर भगवान का, ये देखिए सामने यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे पीछे पंडाल बना हुआ है, जितने भी कांवड़िया लोग हैं सब लोग यहाँ आके नाश्ता कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं। और बाकी इधर देखिए आप सभी लोग लाइन से पूरा बैठे हुए हैं रेस्ट करने के लिए। और इस साइड भी सभी लोग बैठे हुए हैं, बाकी ये सभी लोग। हाय भाई गाइस ये देखिए कांवड़ियों के लिए मतलब यहाँ पे पंडाल लगाया गया है खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। और देखिए सभी लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी दूर से आते हैं लोग यहाँ पे। और सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं सभी लोग। और देखिए सभी लोग खोए हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, रास्ते में भी 1-1:30 बज रहे हैं, तो सभी लोग को नाश्ता का टाइम हो गया और सभी लोग खाना भी खा रहे हैं। और अच्छा लगता है इसे देख के, तो काफ़ी औरतें बच्चे सब लोग हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग भोले बाबा भक्तों का प्रसाद के रूप में केले बांट रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें हमारे चैनल को, बहुत ही मेहनत लग रहा है। बम बम भोले। तो गाइस ये देखिए मेट्रो स्टेशन के नीचे का व्यू है, सारे कांवड़िया लोग यहाँ बैठे हैं। और ये देखिए कांवड़ बहुत ही प्यारा थर्माकोल से बनाया हुआ कांवड़ है। और यहाँ पे गाइस यहाँ भी देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं रास्ते में। और सब लोग अपना अपना गाँव रख के और यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और देखिए कांवड़िया लोग। तो गाइस महादेव लोग यहाँ पे बैठे हुए आप देख सकते हैं। और कहाँ से आ रहे हैं महादेव आप लोग? हरिद्वार से। और वहाँ पे भी जाना है, जाना कहाँ? दिल्ली। तो काफ़ी दूर से महादेव लोग आ रहे हैं। पीछे लोगों की कांवड़िया आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। अभी एक बार मैं दिखाता हूँ आपको ये चीज़, ये इन लोगों का महादेव लोग का कांवड़िया है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे सभी लोग, और भाई भी आ गया है, और सभी यहाँ पे लोग बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। और हाय, और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं सभी लोग। काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब थक भी चुके हैं। तो आइए और भी चीज़ें मैं यहाँ की दिखाता हूँ आपको। बट बहुत सारे कांवड़िया लोग हैं, और ये देख सकते हैं आप। जय भोलेनाथ जी। तो भाई लोग हैं यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और क्या चीज़, जय बोले की भगवान की तेरी बम बम बोले। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब सारे कांवड़िया लोग एक साथ हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग आए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, और ये देख सकते हैं आप, सभी लोग गाड़ी के ऊपर ही बैठ के जा रहे हैं। तो बाकी और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसा कि मैं बोला था कि आज का मेरा पूरा ब्लॉग महादेव के ऊपर ही रहेगा, और जो भी चीज़ें हैं आज का, मैं यही चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में। अभी मतलब हम लोग वहाँ से केले वगैरह बांट के सबको, और शाम के टाइम में रूम पे आ गए थे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा बाहर निकले हम टहलने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है कांवड़िया के, बहुत लोग जा रहे हैं। और देखिए अभी ये रास्ता खुला हुआ था, इस साइड हम गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और अभी इस टाइम हम लोग जाएंगे रूम पे, तो फिर कुछ काम भी नहीं है, रूम पे ही रह जाएंगे, खाना वाना खा के डिनर करके फिर सो जाएंगे। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि आगे अब कहीं जाना भी नहीं है, ट्रैवलिंग ब्लॉग है, तो फिर मैं और कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ।